गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। पूर्व प्रधान और सचिव द्वारा सरकारी पैसे का किया गया बंदरबांट। गाजीपुर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु लाखों रुपए धन आवंटित किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, लेकिन लगातार ग्राम प्रधानों और सचिवों द्वारा सरकारी के पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है, जिस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है, नहीं तो उन पर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। यह मामला मर्दा विकास खंड की ग्राम पंचायत बिहरा का है, जहां पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण आज तक अधूरा है। पूर्व ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा खाते से अधिक पैसा उतार लिया गया है, इस वजह से काम रुका हुआ है। आपको बता दें कि सामुदायिक शौचालय की फाइल वर्तमान प्रधान को पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है, इसका भी कार्य अधूरा है। इसके संदर्भ में वर्तमान ग्राम प्रधान संतोष कुमार गौतम ने खंड विकास अधिकारी को पूर्व में अवगत कराया था, लेकिन कोई सुध नहीं लेने के कारण समाधान दिवस में कोई बार आवेदन दिया गया है और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक पूर्व ग्राम प्रधान और सचिव पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत भवन का शीघ्र निर्माण कराने के लिए वर्तमान ग्राम प्रधान को विभाग दबाव दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। जब मीडिया की टीम ने डीपीआरओ कुमार अरविंद से बात किया तो उन्होंने बताया कि जांच कराकर पूर्व ग्राम प्रधान और सचिव पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना है कि अधिकारियों द्वारा पूर्व ग्राम प्रधान और सचिव पर क्या कार्रवाई होती है। बाइके कुमार अरविंद, डीपीआरओ गाजीपुर। रामदेव राजभर ग्रामीण। संतोष कुमार गौतम वर्तमान ग्राम प्रधान। इस समय मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के मर्द ब्लॉक के बिहरा ग्राम सभा के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है जो पंचायत भवन का निर्माण। और आपको बता दें कि इस समय जो पंचायत भवन का निर्माण है ये कम से कम 6 महीना से रुका हुआ है और आधा अधूरी काम करके रुका गया। यहाँ के बिहरा के ग्राम सभा प्रधान जो मौजूद हैं, इनसे हम बात करें क्या कारण है रुकने का। प्रधान जी, क्या मामला है? देखिए, मैं बिहरा का नवनिर्वाचित प्रधान वर्तमान में हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार गौतम। मेरा यही कहना है कि जो ये पंचायत भवन का निर्माण जो हुआ है, ये हमारे द्वारा नहीं है, पूर्व प्रधान और सचिव द्वारा है। और यह पूरे प्रधान सचिव जो है कि काम जो है कि अभी न्यू भी तैयार नहीं है और ज़्यादा भुगतान पैसे के निकाल लिया गया है, भुगतान सरकारी खाते से। प्रधान जी, 2-3-4 दिन पहले डीपीआरओ भी यहाँ आए थे और क्या आपसे क्या बात हुई? हाँ, डीपीआरओ साहब कहे कि हमने जांच कर लिया है इसका, हम जो है कि जांच करके मूल्यांकन करके हम रिपोर्ट लगाकर हम रिकवरी कराएंगे। और हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कई आवेदन लेकर और मैं उनके महोदय से निवेदन किया है कि उसकी रिकवरी करा के उचित कार्रवाई की जाए। प्रधान जी, जो कहना है यहाँ की जो ईंट लगा है नंबर 2 का अभी गिरा हुआ है, ये किसके कार्यकाल का गिरा हुआ है? ये पूर्व प्रधान जो है कि जांच के दौरान ये जबरदस्ती और दमकदमी कर रहे हैं और ईंटें गिरा है। ईंटे जो है थर्ड क्वालिटी का ईंटा है, तो इसको निर्माण कराने नहीं चाहिए, यह बहुत घटिया सामग्री है और ये जबरदस्ती गिरा रहे हैं जांच के दौरान। प्रधान जी, क्या आप उच्च अधिकारी या जिला अधिकारी को क्या आप अवगत कराए हैं? हाँ, अवगत कराए हैं, मगर इस पर कोई कार्रवाई जिला अधिकारी महोदय द्वारा अभी नहीं की जा रही है, क्योंकि जांच को हिलावाली की जा रही है और हमें गुमराह किया जा रहा है। क्या आपकी मांगे हैं? मांगे यही है कि इनके द्वारा जो पूर्व प्रधान और सचिव द्वारा जो निकाला गया है पैसे ज़्यादा भुगतान, रिकवरी कराई जाए और रिकवरी करा के हमको आदेश किया जाए कि हम निर्माण सामुदायिक शौचालय का और पंचायत में कराएं। तो आप प्रधान जी का कहना है कि ये जो पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है काफ़ी खराब मटेरियल से हो रहा है और अब मानक के हिसाब से जो पैसा है, आप हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप जरा कैमरा को घुमाएं और थोड़ा स्थिति को दिखाएं कि क्या स्थिति है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि ये जो निर्माण हुआ है पंचायत भवन का काफ़ी अधूरा है और जो कि इसका कम से कम प्रधान जी का कहना है कि 5-6 लाख रुपया उतार लिया गया है इसमें और ये काम अभी अधूरा है। तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस जो अभियान है काफ़ी पीछे नज़र आ रहा है। और देखिए, इन जो अधिकार कर्मचारियों पर कार्रवाई हो पाती है, अपना परिचय दें। धर्मदेव राजभर, बिहरा का निवासी। आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है जी, इस 5-6 महीना से लगातार अधूरा भी है, क्या साहब अपने कार्यकाल में नहीं बनवा पाए जी, ये फिर जब दूसरा का कार्यकाल आया है तो जबरदस्ती से ईटा और गिट्टी बालू गिरा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है?
क्या आप लोग जो उच्च अधिकारी को कभी शिकायत किए हैं अपने माध्यम से? जी बहुत लोग के सजेशन दिया गया है मगर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। नहीं, गांव वाले आप लोग किसी के पास गए हैं लिखित शिकायत लेकर? शिकायत तो सर गांव वाले तो सभी जान रहे हैं। नहीं, एक गांव के ही काम के लिए बन रहा है जो पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है जी। तो आप लोग का भी जो जिम्मेदारी बनती है, आप लोग किसी उच्च अधिकारी को शिकायत किए हैं? हम लोग कहे अधिकारी से भी साहब कि नहीं इसको रोका जाए, ये जो पूर्व प्रधान है इस समय वर्तमान प्रधान है ये बनवाएंगे। जो यहाँ ईंट की प्रयोग हो रही है, जो अभी ईंट हम देख रहे हैं गिरा हुआ है, किस क्वालिटी का? जबरदस्ती से साफ गिर रहा है ना। ईंट कौन सी क्वालिटी का है? ईंट तो बस थर्ड क्वालिटी का है। तो आप लोग रोक लगाए हैं इस पे? साहब कोई जनबे नहीं किया, रात को गिरा है ईंटा। चलिए ठीक सर। मरदा ब्लॉक में गेहरा ग्राम सभा है जहाँ पंचायत भवन का निर्माण किया गया है पूर्व प्रधान द्वारा। सर उसमें मानक के हिसाब से बहुत अधिक पैसा निकाल लिया, क्या सर उसमें जानकारी है? ये पंचायत भवन में जो कार्य कराए गए हैं उससे ज़्यादा की धनराशि निकलवा ली गई है। क्या सर उसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि उसमें हम उसका मूल्यांकन करवा रहे हैं। मूल्यांकन कराने पे जो भी धनराशि का बैलेंस निकलेगा, जो पूर्व में ज़्यादा धनराशि निकाल ली गई है वहाँ के प्रधान और वो सचिव के विरुद्ध धनराशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सर अभी जो काम बचा हुआ है उसको कराने के लिए दोनों प्रधान में अभी जो कि होड़ लगी है, तो सर उसमें पूर्व प्रधान का कहना है कि हम उसको काम कराएंगे और न्यू प्रधान कह रहे हैं कि हम कराएंगे, तो सर इसमें कौन काम करा सकता है? जो वर्तमान में आज प्रधान है वही काम कराने का है। सर वहाँ हम गए थे, मीडिया की टीम गई थी, तो देखा गया कि वहाँ अभी आज भी जो पूर्व प्रधान द्वारा पुराने ईंट जो ईंट है वो सर नंबर दो की गिराया गया है। सर उसी का तो मूल्यांकन करा रहे हैं, मूल्यांकन में जो भी दरें आएंगी और उन्होंने जो भी धनराशि के आग्रह किया है, जो भी डिफरेंस होगा उनसे वसूली की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई होगी। ठीक सर।